दोस्तों, तो मैं आप लोगों का होस्ट और दोस्त जय सिंह ठाकुर स्वागत कर रहा हूँ दोबारा से फूडिया मस्ती के एक और स्वाद भरी वीडियो में। तो आज हो चुका है भाई, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे लाजपत नगर में अफगानी मार्केट के अंदर। इवनिंग का टाइम है, अफगानी मार्केट में कुछ अच्छा चखने के लिए आए हुए हम लोग। जो सबसे कॉमन चीज यहाँ पे बिकती है वो है भाई अफगानी बर्गर। अब नाम से तो ये जरूर बर्गर आपको साउंड कर रहा है, लेकिन ये भाई बर्गर होता नहीं है। एक तरीके का आप इसको रोल कह सकते हैं, शॉर्मा रोल टाइप कह सकते हैं, फ्रेंकी रोल कह सकते हैं। ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि दो बन के बीच में पैटी लगा के दे दी जाए, ऐसा कुछ नहीं रहता इसमें। तो अब करते क्या है भाई, मेकिंग देखेंगे थोड़ी बहुत अफगानी बर्गर की। ये शॉप है, स्पेशल बर्गर लिखा हुआ है यहाँ पे, और टेस्ट करके बताते हैं कि इसका स्वाद रहता है कैसा अफगानी बर्गर का। तो चलिए फिर मेकिंग देखते थोड़ी सी और थोड़ा सा करते फिर टेस्टिंग। अच्छा, ये वेज और नॉन वेज दोनों लगाते हो आप? ये हम लोग का वेज है, वेज में अंडा खाते हैं। प्योर वेज में बिना अंडे के और अंडे वाला भी है। अच्छा, प्योर वेज में बिना अंडे के भी ले सकते हैं। और ये आप ले लो फ्रेंच फ्राइज। अच्छा, अभी आ गए इसके ऊपर फ्रेंच फ्राइज आ रहे हैं भाई ये बर्गर के ऊपर। और जो नीचे जो ये होती है रोल होता है, जो ब्रेड होती है, किस चीज की होती है? आटा और मैदा की मिक्स है। आटा मैदा का मिक्स रहता है, ठीक है। अफगानी बर्गर रोटी बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा, और ये ऊपर से आ गई केचप आ गई है ना, और साथ में और थोड़े फ्रेंच फ्राइज आ गए हैं। और ये मेयोनीज होगी मेरे ख्याल से। ओके, मेयोनीज है। ये गरम मिक्स मसाला है भाई। चलिए ठीक है, ये मसाला हो गया। ये अफगानी स्पाइसी चटनी है, लहसुन मिर्ची टमाटर। अच्छा, सब मिक्स रहता है इसमें काफी सारे मसाले। ये ऊपर से सॉल्ट आ गया। अब ये आप तो इसमें ये रैप हो गया पूरा। तो ये नॉन वेज वाला, ये अंडे वाला है 50 रूपए। अच्छा, और प्योर वेज भी है 50 रूपए। चिकन वाला है 100 रूपए। 100 रूपए तो चिकन वाला एक हमारा लगा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरीके से थाली में पूरी चिकन के लेग पीस सजा के रखे जाते हैं, साथ में ये रहती है फ्रेंच फ्राइज वगैरह, और ये फ्राइड चिकन रहता है। और ये देखो भाई फ्रेंच फ्राइज चले गए हैं, फ्रेंच फ्राइज चले गए भाई तेल के अंदर तलने के लिए। और एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड यहाँ पे सारा काम होता है, ऐसा नहीं है पहले से बहुत देर से बना के रखा गया हो। क्यों भाई, सही बात कह रहा हूँ है ना? सब मैं ये भी दिखाता हूँ कि इनकी मशीन है यहाँ पे, जो जहाँ से ये आलू को लच्छे बनाए जाते हैं, जो फ्रेंच फ्राइज बनाई जाती है, बड़ी स्पेशल मशीन रहती है इनकी। तो अब हमारे जो मेकिंग लगने जा रही है वो लगने जा रही है चिकन बर्गर की। तो जैसे कि भैया ने स्टार्टिंग बताया था, इनकी ब्रेड रहती है मैदे की और आटे की है ना, मिक्स रहती है। ऊपर से कुछ ये भैया हरा भरा काम हो गया सलाद का, बंद गोभी पुदीना खीरा। अच्छा, धनिया। अच्छा, तो बंद गोभी मिंट पुदीना मतलब, और हरा धनिया, और साथ में खीरा, साथ में अंडा, साथ में बॉइल्ड एग आ गया। अच्छा, साथ में आ गया भाई चिकन। तो ये चिकन है भाई, तो ये फ्राइड चिकन रहता है, और इसके फिर अच्छे खासे लच्छे करके इसमें डाल दिए जाते हैं मिक्स करके। ओके, तो है तो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग मेकिंग, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉर्मल बर्गर जैसी मेकिंग नहीं है, मैंने जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग बताया था, ये रैप में देते हैं। ये ऊपर से केचप आ गई भाई, और ये आ गया भाई ऊपर से मेयोनीज दोबारा से, और ये आपकी वो स्पेशल वाली जो चटनी। अच्छा, तो ये फ्रेंच फ्राइज हमारे भाई तल तल के तैयार हो चुके हैं, और एकदम लाल लाल हो गए, अपने शक्ल में आ चुके हैं एकदम गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज, क्रिस्पी करारे फ्रेंच फ्राइज। ओहो वाह, सुनहरे फ्रेंच फ्राइज। तो एकदम देख सकते हो आप, एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रेंच फ्राइज एकदम डल रहे हैं हमारे बर्गर के अंदर। ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, सीधा देख सकते हो कढ़ाई से सीधा निकल रहे हैं और हमारे बर्गर के अंदर जा रहे हैं। तो अब हो गया भाई रैप अप हमारा, हमारा बर्गर तैयार हो गया, इसको फोल्ड कर दिया गया, रैप कर दिया गया बढ़िया तरीके से। ये हमारा ना, ठीक। लाइए तो जनाब, यूं तो अफगानी स्वाद के पिटारे में सैकड़ों जायके चखने को, लेकिन आज हमने प्रेफर किया है अब इनका अफगानी बर्गर। अगर इसकी अगर हमें रिस्पांस अच्छी मिली तो हम लोग यहाँ पे अफगानी मार्केट में और भी क्यूजींस है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि अफगानी कल्चर में इनके क्यूजीन बहुत बड़ा रोल रखता है। अब बिना वक्त जाया करे करते हैं भाई स्वाद के टेस्टिंग करते हैं इसकी। सॉरी,
तो ये हमने लगवाई है नॉन वेज वाली, जैसे कि हमने आपको पूरी मेकिंग दिखाई है। ये ब्रेड रहती है इनकी, अफगानी ब्रेड रहती है, ऊपर से पूरा इसमें जो फ्रेंच फ्राइज वगैरह डाले गए हैं, चिकन के पीसेस डाले गए हैं, अंडा डाला गया है। अब करते टेस्टिंग। तो भाई हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, अफगानी एपेटाइट के हिसाब से ही है। तो बहुत बड़ा बाइट लेना पड़ेगा इसका, बहुत बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा। तो जैसे पहला बाइट मैंने इस बर्गर का लिया तो उसमें सारे फ्लेवर्स ना एक साथ मिक्स होके ऐसा धमाका किए हैं ना मुंह के अंदर, माइंड ब्लोइंग टेस्ट है, मज़ा बहुत तेज आया। इनकी जो गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज थी जो हमने देखा था, पूरी कढ़ाई से तल तल के एकदम फ्रेश एकदम निकाली गई थी, क्रंचीनेस उसकी बहुत अच्छी आई है इसके अंदर, क्रिस्पीनेस जो आई है, साथ में जो चिकन का फ्लेवर है माइंड ब्लोइंग है। हाँ, जो इसमें अंडा है ना, अंडा एक इसको अलग सा एक रूप दे दे रहा है इस बर्गर को, थोड़ा सा जो अंडे की जो जर्दी होती है कसैलापन सा जो आता है ना, वो चीज़ कसैलापन सा टेस्ट इसमें आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। मैं और एक बाइट लूंगा। तो चिकन बहुत ज्यादा जूसी है, बहुत ज्यादा खिला हुआ चिकन इसमें डाला गया, साथ में जो मसाले के स्वाद है जिनका, एक अफगानी की जो चटनी है जो उन्होंने बताई थी उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा सा अगर मैं इसमें ड्रॉबैक बताना चाहूंगा तो सिर्फ ये है कि जो इनकी पीटा ब्रेड है जिसको ये लेयरिंग है ठंडी है, अगर थोड़ी सी गर्म होती तो इसका और ज्यादा फ्लेवर उभर के आता। दूसरा ये है कि अब आप इसको खाना शुरू करेंगे ना तो बहुत ज्यादा खुलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेयर इसकी छोटी सी है लेकिन इसमें फिलिंग बहुत ज्यादा कूट कूट के करी गई है, तो जैसे आप खाएंगे तो पूरे तरीके से खुलेगा बिखरेगा, एंड करते जाएंगे जैसे जैसे खत्म करते जाएंगे तब ये पूरा आपके हाथ में एकदम फैल जाएगा। तो एक चीज मैं सजेशन बस यहाँ पे जाते जाते देना चाहूंगा इन लोगों को कि साथ में कुछ प्लेट वगैरह भी दिया करें, ठीक है, या तो अगर आप खा रहे तो आप साथ में प्लेट वगैरह रख लें तो आपको बहुत आसानी रहेगी खाने में। बाकी बर्गर है, नाम इसका बर्गर है लेकिन है ये पूरा रोल एक तरीके का, एक शॉर्मा रोल कह सकते हैं या तो एक फ्रेंकी रोल या तो कोई भी एग रोल वगैरह इस टाइप का कुछ भी कह सकते हैं। टेस्ट माइंड ब्लोइंग है नो डाउट। मेरी तरफ से रिव्यू इसका रेटिंग रहेगा तो मैं इसको रेटिंग देता हूँ 4 out of 5। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं भाई बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, फिर से रूबरू होते हैं ऐसे और भी अफगानी किसी तो तब लेके आएंगे जब आप लोग अली वीडियो को लाइक करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ ये सब चीजें। तो बस क्या करते हैं, जय हिंद वंदे मातरम करते हैं और शटर गिराते हैं, बंद करते हैं।